स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सावे रोड क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बनाए गए ट्रीटमेंट प्लांट पर फैक्ट्रों का गंदा पानी साफ करने के लिए विशेष प्लांट लगाया जाएगा, जो अब तक किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं है। इसकी इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा की लागत बताई जा रही है और यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 6 माह में पूरा होने की संभावना बताई जा रही है। निगम ने इसके लिए आज टेंडर जारी किए हैं। नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल के अनुसार सावेर रोड क्षेत्र में 4 MLD की क्षमता वाला ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है और अब वहां फैक्ट्रियों से आने वाला गंदा पानी साफ करने के लिए विशेष प्रकार का प्लांट लगाया जा रहा है, जिसे इथिविलिन प्लांट कहा जाता है। इसके लिए निगम द्वारा टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1.5 करोड़ की बताई जा रही है। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि यह प्लांट 6 माह में पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी पूरी तरह साफ किया जा सकेगा। उसका उपयोग बगीचे से लेकर विभिन्न कार्यों के उपयोग में किया जा सकेगा। हालांकि इस प्रकार का प्लांट निगम द्वारा बनाए जा रहे करीब 8 से ज्यादा STP में कहीं भी नहीं लगाया गया है। आपको बता दें कि सावे रोड क्षेत्र में बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों का गंदा पानी आता है और उसके निराकरण के लिए भी यह प्लांट लगाने पर कई दिनों के मंथन के बाद निर्णय हुआ। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में निगम द्वारा ड्रेनेज का पानी, जो कि गंदा पानी, साफ कर नदी में छोड़ने के साथ बगीचों के उपयोग के लिए कई जगह ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए गए हैं। इसमें कबीट खेड़ी और कुछ अन्य स्थानों पर ट्रीटमेंट प्लांट भी शुरू किए जा चुके हैं। आजाद नगर, राधास्वामी सहित कई जगहों पर प्लांट का कार्य चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है आने वाले दिनों में वहां के ट्रीटमेंट प्लांट का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सावेर रोड में नगर निगम ने तैयारी की है कि वहाँ ETP एक बनाया जा रहा है। उसका उद्देश्य बेसिकली ये होता है कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है पानी के रूप में, वो हैजार्डस वेस्ट होता है, हैजार्डस ग्रे वाटर होता है बेसिकली। तो अगर वो सीधे जाके किसी भी वाटर बॉडी में मिलता है, किसी भी वाटर चैनल में मिलता है, तो उसको प्रदूषित करता है। इसी के लिए ETP बनाया गया है। इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज वहाँ हैं उनको सभी को कनेक्शन करके ETP के माध्यम से पानी को ट्रीट करके हम लोग जो आगे जहाँ उसका डिस्पोजल है वहाँ छोड़ रहे हैं। इसके बाद इंदौर, मुझे लगता है इस तरीके का प्रोजेक्ट करने वाले बहुत कम शहरों में से होगा जो अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करके वाटर बॉडीज में छोड़ रहे हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।